अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल करीम मुताल की और दुरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पे, जो कि हम पर परवरदिगार का करम और अता है। बिला शुबा ये वो हस्ती हैं जो परवरदिगार का ख़ास करम है और उसके मुताल होने की एक बहुत बड़ी निशानी, ये उसकी अता है जो हमें के मिल रही है। इस वक्त मैं आपको वीकली होरोस्कोप 7-13 जुलाई 2019 बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। इस हफ़्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ, जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक़्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले दिनों ग्रहण भी था और उसके अलावा कुछ तब्दीलियाँ थी, मैंने आपको लास्ट वीक उसके बारे में अपडेट किया था, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ही पैनिक रही वो ये रही कि मैंने बर वक्त इसकी वीडियो ग्रहण की जो है वो अपलोड की और कोशिश की कि मैंने तमाम उसमें जो है ना सवालात जो पिछले ग्रहणों में भी हमसे किए गए उसके जवाब जो है मैं दे दूँ पूरी डिटेल, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसके बावजूद सवालात और वही सवाल जो कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो काइंडली आप जो वीडियो देखते हैं, जो बना के दी जाती है, उसको गौर से सुना करें, आपके बहुत सारे सवालों के उसमें जवाब मौजूद हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बात मिस हो गई हो तो हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं। अक्सर सवाल ये था कि क्या तमाम ज़ोडियक साइन के लिए यही है, सेगटेरियस वालों के लिए बता दें, कैंसर वालों के लिए बता दें, टॉरस वालों के लिए बता दें। देखें, अगर ये अलग अलग होता तो आपको अलग अलग बताया गया होता। दूसरी बात, कुल दौरानिया बता दें, खुदारा थोड़ी सी ज़हमत तो खुद कीजिए, आप उसमें देखिए मैंने कुल दौरानिया बता दिया कितने घंटे और कितने मिनट है, मतलब ये भी अगर मैंने ही करना है तो फिर परहेज़ भी आपकी जगह मैं कर लूँगा, नमाज भी मैं आपकी जगह पढ़ लूँगा, ऐसा ना किया करें। आपको मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें, लेकिन और उसको जो है वो ऐसा ना बना दें कि दूसरा बंदा सोचे कि ये क्या हो क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझोगे। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी जो है वो वीडियोस में मैं दे चुका होता हूँ, क्योंकि जब सवाल आ रहे होते हैं जो अहम चीज़ होती है हम उसका जवाब ज़रूर देते हैं। पूरी मीडिया टीम है जो आपके लिए जवाब भी दे रही थी, आपके कमेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम वो देख रहे होते हैं, लेकिन एक ही चीज़ के बार बार वही। और अजीब बात यह है कि बहुत सारों को जो सवाल हैं वो कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में पढ़ ही नहीं रहे उस सवाल का, किसी और ने सवाल किया हुआ, किसी को जवाब मिला हुआ है, हमने जवाब दिए हुए हैं, तो आप उसको देख लें। पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ चीज़ें अपडेट कर दी थी कि जो तब्दीलियाँ थी मरकरी के हवाले से, उसके हवाले से, वीनस के हवाले से, इसके अलावा आपको मैंने बता दिया था कि मार्स जो है वो अपने औज के घर में जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली जो है आज मैं आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि तब्दीलियाँ जो आई हैं, जो तब्दीलियाँ हैं वो आपके ऊपर क्या कर रही हैं। सैटर्न और जुपिटर वो रेट्रोग्रेड हैं, स्टिल रेट्रोग्रेड ही रहेंगे, अगले कई हफ्ते रेट्रोग्रेड करेंगे। मैं इनके बारे में डिटेल बता चुका आपको कि इनके इम्पैक्ट आपके किन किन घरों पे होंगे और क्या होंगे, इसलिए मैं इसके बारे में तो अब बात करने नहीं जा रहा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो नई तब्दीलियाँ हैं, जो नए चेंज हैं वो आपके लिए क्या हैं, मैं उसको आपको गाइड करूँ। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स, मैं हमेशा सबसे पहले जो है ना उसको डिस्कस करता हूँ जो रूलिंग प्लैनेट हो। तो इस वक्त मैं बुर्ज चूँकि हमल वालों को बताने के लिए जा रहा हूँ, तो इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, और मार्स पिछले काफ़ी अर्सा हबूत में रहने के बाद अब अपने औज के घर में आ चुका, और इस वक्त जब के 7 जुलाई को ये अपनी काफ़ी सारी डिग्रीज जो है वो भी मेच्योर कर चुका है। मार्स के बारे में ये है कि ये 7 दिन में अपना रिज़ल्ट दे देता है, और इस वक्त ये तकरीबन जो है वो चौथे दर्जे पे चल रहा है। इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इसके जो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं वो आप तक आ जाएंगे। तो ये जो हफ्ता है 7-13 जुलाई का, इसमें मार्स आपके जायचे के पाँचवें और पाँचवें रहते हुए ये आपको आपके ताले को तसलीस की नज़र से देख रहा है,
आपकी तबीयत में जो है वो ठहराव आ रहा है, आप बोल्ड हो रहे हैं, आप ब्रेव हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो रहा है, और इसके साथ साथ आपके मिजाज में जो रुमान का पहलू है वो भी डेवलप होता चला जा रहा है। ये आपके जायचे के पाँचवा घर जो है वो आपकी मंगनी का है, पाँचवा घर आपकी औलाद का है, आपके बच्चों से रिलेट करता है, आपकी एजुकेशन से रिलेट करता है, आपके इनामी बॉन्ड लॉटरी से रिलेट करता है, और ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें इसके होते हैं। एक घर के कितने सारे मंसूबात होते हैं, हम सिर्फ मोटी मोटी बातें भी आपको बता रहे थे, डिटेल बताएं तो ये तो शायद एक एक घर का बहुत सारी डिटेल आपको मिले। पाँचवा घर ही जो है वो आपके सडन गेन का भी है, पाँचवा घर आपकी एक से जायद सोर्स ऑफ अर्निंग का है, तो आप इसको अगर देखें तो ये आपके जायचे के पाँचवें घर में आ चुका, और पाँचवें घर में आने से इसके बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आपके मिजाज में जो हैं वो अब डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। आपके खाना माल का हाकिम जो है वो आपके जायचे के चौथे मौजूद है, तो आपके मिजाज में जो है कुछ तब्दीली पॉजिटिव, और इसी पॉजिटिव की जो पॉजिटिविटी है वो आपको कुछ अखराजात की तरफ माइल करिए, जो कि आप अपने घर, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, स्पेशली अपनी रिहाइश की जगह, और बिलखसूस इसमें आपका लिविंग रूम, आपका बेडरूम, और जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, जहाँ पे आप भी जो है वो कंफर्ट फील करते हैं, वो जगह आपके लिए। तो ये आपकी तब्दीली आ रही है, तो इस तब्दीली का मुस्बत जो है वो ये है कि आपके पास पैसे भी आएंगे और आप घर पे भी खर्च कर सकेंगे, दोनों चीज़ें बड़ी आपकी कंफर्टेबल है। आपके तीसरे घर का बैरूने सॉरी आपकी जो नज़दीकी सफ़र है उससे मुतलका, आपके सियारगान उससे मुतलका, और आपका आपकी एजुकेशन बेसिक, आपके जीज़ो कारब, आपका सोशलिज़म, ये तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 11 जुलाई को ही मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके नज़दीकी सफरों में रुकावट खड़ी कर सकती है। इसके अलावा बहन भाई इज़्ज़ुकारों के साथ आपके तल्लुकात कदर कशीदा कर सकती है, आपको अपने लव वंस के साथ जो है वो मोहतात गुफ्तगू करनी है, वहाँ से कोई ऐसी गुफ्तगू हो सकती है जो कि आपके मिजाज को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है, तो ये आपको बड़ी एहतियात के साथ करना है। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि 11 जुलाई तक या 1 अगस्त जो कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, इसमें आपने नज़दीकी सफ़रों के वाले से अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से रखना है, और अपने सामान की खुद हिफाजत करनी है, खुदा ना खास्ता इसके गुम होने का अंदेशा जो है वो मौजूद रहेगा। सवारी और जगह की तब्दीली के लिए बहुत अच्छी पोजिशन, आपका जो सन है वो आज के घर में चौथे मौजूद है, तो इसकी चौथे मौजूदगी जो है वो आपके मामले को काफ़ी बेहतर करेगी, आपके लिए नई सवारी का हसूल जो है वो मुमकिन होगा, नई घर, नए प्लॉट और अच्छी और कुशादा जगह जो है वो आपके लिए लेना मुमकिन होगा। आपके छठे घर का हाकिम आपकी सेहत, आपकी जॉब से मुतल्लिक है, 7 जुलाई को चूँकि ये भी रेट्रोग्रेड जा रहा है, वही मरकरी है जो रेट्रोग्रेड है, तो अपनी सेहत का आपको बहुत ख्याल करना है, और जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा, और अपनी जहाँ भी आप जॉब हैं वहाँ पे आपको गुफ्तगू और तहरीर दोनों चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आपकी शादी के इम्कान भी बहुत रोशन है, इसके तय पाने के इम्कान बड़े ही ब्राइट हैं, और इसके अलावा आपके जो वरासती मामला, आपके मुश्तरक मामला जो कि खिटाई का शिकार हो चुके थे, बंदिश का शिकार थे, वो अब खुल चुके हैं, तो आपके मामला में काफ़ी बेहतरी आ रही है। आप ज़हनी तौर पर जो आपका एक नर्वस सिस्टम डाउन हो रहा था, अब वो इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो चुका है। बहुत अहम तब्दीली मार्स जो कि आपके जायचे के पाँचवें, ये आपके यहाँ पे औज में है, और दूसरा सन आपका पाँचवें घर का हाकिम भी औज में, तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपके लिए कोई बड़ा इनाम जो है उसकी खुशखबरी लेके आ सकते हैं। तो अगर आप शाइक हैं और आप अफोर्ड करते हैं तो आप इस वक्त इनामी स्कीमों में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिनके पास शर्फ़ मरीख की लो है वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और शर्फ़ मरीख, शर्फ़ शम्स, ये दोनों अलवा इस वक्त या इनसे मुतलका विर्द वज़ाइफ जो है वो आपके इनाम निकलने में बहुत ही मावनत कर सकते हैं परवरदिगार के ख़ास फजल से। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी। एक आखिर में टिप आपके लिए कि इस वक्त मरजान पहनना और याकूत पहनना, दोनों स्टोन पहनना आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा, अगर मुमकिन हो तो ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
हमारा अगला जोडिक साइन टॉरस यानी कि बुर्ज है, और ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 अप्रैल से लेकर 20-21 मई के दरमियान पैदा होते हैं टॉरस में आते हैं। और अगर आपको कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता ना हो और नाम के जो पहले हरूफ हैं वो बेवाव से हो तो भी आप टॉरस में आते हैं। आपका लकी दिन जुमा और लकी अदद जो है वो 6 है। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वक्त आपका अपना हाकिम सैयारा जो है जोहरा वो आपके जायचे के तीसरे मौजूद है, जोहरा जो कि आपके जायचे के 6 और पहले घर का हाकिम सैयारा है, तीसरे मौजूद है, तसलीस की नज़र से देख रहा है आपके ताले को, तो ये एक अच्छी पोजीशन जो है वो बन रही है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं, फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा हो रहा है, लोगों में आपकी मकबूलियत जो है वो बढ़ी है, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना उठना और घूमना फिरना इस वक्त और सैर तफरीह का आपका प्रोग्राम जो है वो बन रहा है। ये तमाम चीज़ें इस हफ्ते में आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। आपके खाना माल का हाकिम सैयारा आपके जायचे के 4 मौजूद है, लेकिन जो है ये 7 जुलाई को जो है ये रिजत में चला जाएगा। इसके रिजत में जाने से आपके अखराजात में जो वो तेज़ी आएगी और अखराजात आपके जो बहुत ज़्यादा आपके घर आपकी रिहाइश की जगह पे या जगह की तब्दीली पे या ज़ेबो आए अब आराइश और ज़ेबाइश आप अपने घर की जो है उसकी तरफ जाने के लिए आपको जो है वो खर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपके बहुत ज़्यादा इम्कान बन रहे हैं सवारी और जगह की तब्दीली के भी, लेकिन यहाँ पे आपको मशावरत के साथ करना है। मरकरी आपका रेट्रोग्रेड है और 4 घर का के घर में जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो अगर आपने मशावरत से ना किया तो आपको कुछ इजाफी अखराजात जो हैं वो हो सकते हैं, यानी आप जो मामला तय करेंगे वो कुछ आपके लिए महंगे होंगे और आप जल्दबाजी में अगर फैसला करेंगे तो फिर आपको माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इन अयाम में स्पेशली ये 7 जुलाई से 1 अगस्त है, नोट कर लीजिएगा, इस अयाम में किसी के साथ लेन देन का वादा ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अखराजात में आपके जो है वो तेज़ी आ सकती है या मिसकमिटमेंट की सूरत में आप जा सकते हैं, तो रिटर्न एग्रीमेंट करने से गुरेज़ कीजिएगा, चेक वगैरह लिख के देने से गुरेज़ कीजिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लिए माली मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। आपके तीसरे घर में जो है वो शम्स है, तो शम्स जो है ये आपके औज के घर में है, तो ये भी आपके अजीज़ वकारब के साथ आपके तल्लुका जो है वो बेहतर कर रहा है, खानगी जो हालात हैं उसको बेहतर कर रहा है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो अब बेहतरी की तरफ चल पड़ी, लेकिन आपकी 11, 12 और 13 जुलाई का कुछ हिस्सा जो है ये कमरदर अकरब है, तो आपको यहाँ पे कमरदर अकरब का सदका देना है, 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध इसको लाजमी दीजिएगा ताकि आपके तल्लुका जो है बने रहें और मामला जो है वो ख़राब होने से आपके बच जाएँ। आपके 5वें घर का हाकिम सैयारा अतारत जो कि 7 जुलाई को है रिजत में जा रहा है, तो आपकी जो मंगनी है उसके प्रपोज़ल तो आएंगे लेकिन बात तय होने के बजाय इख्तलाफात की नज़र हो सकती है या मामला इतना प्रलोंग होने के बाद ख़त्म होने के भी बन सकता है, तो आपको इस हवाले में मायूस होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ और सोच समझ के फैसला कीजिएगा। जल्दबाजी से कतई तौर पर आपको जो है वो गुरेज़ करना है, बच्चों के साथ थोड़ी एहतियात के साथ आपको चलना है, बच्चों की वजह से आपके घर का माहौल उनकी गलत गुफ्तगू की वजह से ख़ानदान में कुछ इख्तलाफात जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, तो इस बारे में आपको बहुत ही मोहतात रविश जो है वो इख्तियार करनी है। इसके अलावा अपने लव वंस के साथ गुफ्तगू में एहतियात कीजिएगा और आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन है ये प्रॉब्लम करेगी। प्रॉब्लम क्या करेगी, ये आपके इर्तकाज में कमी का बायस होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से आप जो है वो थोड़ा सा
प्रॉब्लम फील करेंगे कि आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसका आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि आपने जो इसको कैसे आप हल कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं कि बुध वाले दिन जो है वो 500 ग्राम मूंग साबित का सदका दीजिए और दुआए रद्दीन उसद से अरगन पढ़िए, इंशाल्लाह मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको मुतासर नहीं करेंगे। आपकी जॉब, आपकी सेहत अच्छी तरफ जा रही है, वीनस बहुत अच्छी पोजिशन में, तो आपका कोई जो नज़दीकी अजीज़ है या आपकी सोशल हल्का अहबाब जो है उसमें से कोई आपकी जॉब के हवाले से आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आपको कुछ बेहतर जो है वो चांस मिल सके। इसके अलावा ये वक्त है, अगर आप कुछ नज़दीकी सफ़र इख्तियार करेंगे अपनी जॉब के लिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने के इम्कान बढ़ जाएंगे। आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ये हफ़्ता आपके लिए नई राहें जो है वो खोल सकेगा, सफ़र आपके लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। आपके शाक्ती अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छी पोजीशन में अब जा रहे हैं, गुज़श्ता जो कमियाँ थी, जो प्रॉब्लम्स थी वो अब ख़त्म हो चुकी, आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान जो हैं वो मौजूद हैं, और आपका जो सातवें घर का हाकिम सियारा मरीख जो है वो डे बाई डे जो है वो अच्छी पोजिशन में चला जा रहा है, और इसकी वजह से इंशाल्लाह आपकी रुकी हुई शादी भी तय पा जाएगी और आप अपने शरीक हयात के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। उसकी वजह से घर का माहौल जो है उसमें बड़ी ही मुस्बत तब्दीली आएगी और घर के माहौल को बैलेंस करने में आपके शरीक हयात जो है वो भी बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप चौथे घर का हाकिम सियारा शम्स 11 जुलाई को औज में होगा, तो इसका जो औज है वो भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। ये वो वक्त होगा जब एग्जैक्टली 11 जुलाई को अगर आप अपनी सवारी की कोई तब्दीली चाहते हैं, कोई ख़रीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट, कोई घर की तब्दीली चाहते हैं या परचेज़ चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक आइडियल टाइम होगा। इस वक्त आपके किए गए फ़ैसले इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। बाकी चीज़ें वही आपकी मुश्तरी और जोहल, वो तो ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुका कि रेट्रोग्रेड हैं। इसके अलावा आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी बेहतरीन टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बैरून मुल्क क़याम पज़ीर जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो अगर आप वहाँ रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन अगर आप कोई टूर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई कैरियर रोज़गार के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बेहतर वक्त नहीं है। सिर्फ इमिग्रेशन के हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ, स्पेशली अगर आप स्पाउस वीज़े पर सफ़र करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और सवारी और जगह की तब्दीली चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बेहतरीन टाइम है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी फ्राहम करदा मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए जब अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए जो है कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट करने लगा हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो भी इंफॉर्मेटिव जो हों। हमारा अगला ज़ोडिक साइन जेमिनाई, जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोज़ा। आपका हाकिम सैयारा अतारद यानी कि मरकरी है और डिजिट 5 आपका लकी डिजिट है और वेडनेसडे जो है वो आपके लिए लकी डे साबित होता है। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ, जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जेमिनाइज हैं और जेमिनाइज के लिए जो है वो कुछ मामला इस हफ्ते से तब्दील हो रहा है। जेमिनाइज के लिए तब्दीली है कि 7 जुलाई को जो इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है और 1 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। अब आपको अपनी तहरीर और तकरीर में बहुत ही मोहतात रहना है, आप तजबजब का शिकार हो सकते हैं और ये तजबजब जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, स्पेशली आपके जो
अजीज़ वकारब हैं, आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें आपको अग्रेसिव होने से बचना है, क्योंकि मार्स है इसके साथ मरकरी के साथ, और मरकरी की जो इसकी जो तासीर है वो ये है कि जिस भी प्लेनेट के साथ होता है उसकी चीज़ों को बूस्टअप कर देता है। यहाँ पे बूस्टर तो लगाएगा ये मरकरी जो है वो मार्स के जो कि ऑज के घर में है, ये तो उसको बूस्ट तो करेगा, लेकिन साथ में रेट्रोग्रेड है मरकरी तो ये प्रॉब्लम करेगा। अब मार्स जो है वो आपके 11वें घर का हाकिम है और आपके 6ठे घर का हाकिम है, तो आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है वो कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा कर सकते हैं, इससे आपको बचना। नज़दीकी सफ़रों में सदका देके सफ़र कीजिएगा 7 जुलाई के बाद, और 7 जुलाई के बाद बहन भाई और ज़ुकारब के साथ तल्लुकात को कुछ बेहतर अंदाज में लेके चलने की कोशिश कीजिएगा, वो कि दूसरे जो एलिमेंट हैं वो इस मामले को कदर बेहतर करने की कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको एहतियात से काम लेना है। आपके खाने माल का हाकिम सियारा जो है वो इस हफ़्ते में 11, 12, 13 ये कुछ दिन जो है वो अकरब है, कमरदर अकरब आपके 6ठे घर में, तो आपके इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, या आपके किसी मुलाजिम की वजह से आपको माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका 11 तारीख को दे के याद से दे के आप इसको जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा दुआ रद्द नुसरत सियारगान पढ़िए, तो ये जो सैटर्न और जुपिटर की जो रेट्रोग्रेशन है उसको भी कवर करेगा, और ये जो वक्ती तौर पे आपकी मरकरी की रेट्रोग्रेशन साथ में स्टार्ट हो चुकी है इसको भी इंशाल्लाह ये कवर करेगा, तो इसका ये कवर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा आपकी माली पोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि आपके खाना माल में शमस का औज है, शमस का जो औज है ये आपकी माली पोजीशन को बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और इसके अलावा आपके जो बहन भाई हैं करीबी जो करब हैं वो भी आपके लिए कुछ बेहतर माली इस्बाब के लिए आपकी बेहतर इनकम के लिए आपको सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नज़दीकी सफ़र इस वक्त आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो नज़दीकी सफ़र कीजिए, इसमें आपको इंशाल्लाह बहुत सारे फ़वाद जो हैं वो मिलेंगे। और चौथे घर का आपका हाकिम मरकरी, ये भी रेट्रोग्रेड, जैसे कि मैंने बताया तारा आपका रेट्रोग्रेड है, तो आपकी कुछ गलत गुफ्तगू की वजह से, आपकी जल्दबाजी की वजह से आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है, तो आपको बड़ी ही एहतियात के साथ जो है वो गुफ्तगू करनी है, एक एक वर्ड आपको बहुत सोच समझ के अदा करना है। हालांकि आप जीनियस हैं, लेकिन मेरे वालिद एक बात कहते होते थे, वो कहते थे कि हमेशा जो तैराक है वो डूबता है, तो मैंने वालिद से कहा कि वो तो उसको तो तैरना आता है तो वो कैसे फिर डूब जाएगा, तो वो कहने लगे उसका ओवर कॉन्फिडेंट होना उसको जो है वो डुबो देगा, वो इसी कॉन्फिडेंस में डाइव करता है और गहरे पानी में चला जाता है कि मुझे तो तैरना आता है मैं तैर लूँगा, लेकिन नहीं, वो कई बार डूब जाता है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ आपको बड़ी ही एहतियात के साथ अपनी स्टेटमेंट्स देनी है। इसके लिए बुध वाले दिन हर बुध को जो है वो सदका दीजिए 500 ग्राम मूंग साबत का, और ये भी आपका मरकरी के नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है वो ब्रेक करेगा। इसके अलावा एक एमरल्ड पहनिए अपने हाथ में, आपके लिए इस वक्त एमरल्ड जो है वो अक्सीर का काम करेगा इंशाल्लाह। तो एमरल्ड जो है थोड़ा सा कॉस्टली है ये पत्थर, लेकिन जो आपको नुकसान होते नज़र आ रहे हैं उसकी नस्बत ये कुछ भी कॉस्ट नहीं है, तो आप इस वक्त एमरल्ड पहनिए। अगर आप एमरल्ड नहीं पहन सकते पेरीडो पहन लीजिए, ये दोनों पत्थर जो हैं वो आपको इस वक्त जो है फ़ायदा देंगे। आपकी मंगनी तय पाने के कवीम का ना जो है वो मौजूद हैं, इसी तरह आपके लव अफेयर्स जो हैं वो भी टॉप पे जा रहे हैं, बच्चों की तरफ से आपको कंफर्ट मिलेगा, औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, आपके बच्चे आपके साथ इस वक्त हेल्प करते बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, और उनकी वजह से भी आपकी माली पोजीशन जो है वो इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह ये तमाम हफ्ता बहुत इस हवाले से आपके लिए बेहतर होता नज़र आ रहा है। आपकी सेहत आपकी जॉब दोनों अच्छी पोजीशन में है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपसे जॉब छुड़वा सकती है या जॉब की जगह पे कोई गलत स्टेटमेंट दिलवा सकती है, तो आपने अजद मोहतात रहना है। इसके अलावा आपके 11वें घर का हाकिम सैयारा जो है वो अच्छी पोजीशन में औज के घर में है और डे बाई डे अपनी जो है इन चीज़ों को बेहतर कर रहा है, तो आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपके साथ बड़े ताउन करते नज़र आ रहे हैं। एन मुमकिन है कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलकर कुछ सफ़र जो है उस पर करें, कोई सोशल एक्टिविटीज़ आपकी आपके दोस्त अहबाब के साथ जो है वो बनती नज़र आ रही हैं, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती नज़र आ रही है। ये तकरीबन तमाम महीना इस हवाले से आपके लिए बड़ा ही आइडियल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आपकी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं
और बैरून मुल्क अगर रहते हुए आप ख्वाहिश रखते हैं सवारी और जगह की तब्दीली के लिए, तो भी आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा वक्त है। मजबूरी तौर पे अगर मैं देखूं, और अगर आप स्पेशली मरकरी की रेट्रोग्रेशन को कवर कर लें एमरल्ड पहन के और मूंग साबत का सदका दे के दुआ रद्दुल उसद से अरकान पढ़ के, ये तीन काम करके अगर आप इसकी रेट्रोग्रेशन को कवर कर लें तो ये आपके लिए हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि फ्रीक्वेंटली आपको जो दीगर वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए मैं जो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी वीकली कोरोस्कोप के अलावा, जैसे कि आपको मैंने ओजे शम्स की जो वीडियो है वो दे दी, आपके उसका अमल मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया कि उसके टाइमिंग्स क्या हैं और आप उससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारा अगला ज़ोर्डिक कैंसर यानी कि बुज सतान, ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 जून से लेके तो 20 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम जो है वो कैंसर में आते हैं। और आपका रूली प्लैनेट मून है, आपका जो डिजिट है वो 2 यानी कि 2 और दिन पीर आपके लिए जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। इस हफ़्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ, जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औजे शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी टाइमिंग उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये गोल्डन पीरियड है, शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक़्त होता है वो औजे शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके ताले में जो है सन मौजूद है और आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा कर रहा है, आपके ताले में जो है वो मरकरी मौजूद है, सॉरी वीनस मौजूद है, जो आप में एक अपनाइत और जाज़बियत की जो है वो चीज़ें पैदा कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक नादीदा सी कशिश जो है वो पैदा हो रही है। लोग इस हफ़्ते में आपसे मिलके बड़ा ही अच्छा फील करेंगे। ये हफ़्ता जो पिछले हफ़्ते से ये सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, इस हफ़्ते में भी ऐसे ही है, लेकिन कुछ दिन जो है वो आपको बहुत एहतियात से, यानी 11, 12 और 13 का कुछ टाइम जो है ये कमर दर्द रकब है। कमर जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, आपके जायचे के 5वें इसको हबूत होगा। हबूत लफ्ज़ हब्त से है, यानी इसमें पावर्स नहीं होंगी, तो जब इसमें पावर्स नहीं होंगी तो ये आपकी आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करता है, कुछ कनूतियत के आप जो है वो शिकार होते हैं। लेकिन सन जो है वो यहाँ पे ताले में मौजूद रहते हुए और वीनस मौजूद, दोनों बड़ा ही खूबसूरत जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप पे जो है वो इसकी जो डैमेजेस हैं मून के हबूत में जाने के वो कम से कम होंगे। फिर भी आपके लिए जो है वो एहतियात लाजिम है, इसके जो बहुत ज़्यादा डैमेजेस आप पे हो सकते हैं ये आपके लव अफेयर्स पे आ सकते हैं, आपके बच्चों के साथ आपके इख्तलाफात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 15 के दरमियान की वो मुतासर हो सकती है, आपकी मंगनी में रुकावट पैदा आ सकती है, या आपकी मंगनी खुदा न खास्ता टूटने का अंदेशा भी होगा। इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचा ऐसे जा सकता है, आप पर्ल पहनी अपने हाथ में या गले में, खवातीन गले में पहन सकती हैं, जेंट्स भी अगर आप लॉकेट की शक्ल में पहनना चाहें लॉकेट की शक्ल में पहन लें, ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप, अंगूठी पहन सकते हैं, किसी भी तरीके से आप जो है वो पर्ल पहने। तो दूसरी तरफ आप ये जो दौरानिया है इसको हम अपडेट कर देते होते हैं अपने पेज पे, कम्युनिटी सेक्शन में आ जाता है, फेसबुक पेज पे आ जाता है, तो आपने इसकी बरवक्त जो है 2 किलो आटा, दूध या टोटा चावल, तीनों में से कुछ भी सदका दे के आप परवरदिगार की अमान में जा सकते हैं। आपके खाना माल का हकीम सियारा आपके ताले में औज में है, तो माली पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और फाइनेंशियल हिसाब से आप बड़ी ही बेहतर फैसले करने की पोजीशन में हैं। आपकी शख्सियत में जो है वो ऐसी एक मैग्नेट जो है वो आ रहा है जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल मामला आपके बड़ी तेज़ी से बेहतर होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, 7 जुलाई को आपकी मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, जो कि आपके खाना माल में मौजूद है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके अखराजात में तेज़ी ला सकती है, फजूल खर्ची की तरफ आपको जो है वो माइल जो है ये कर सकती है, तो आपको अपनी फजूल खर्ची को जो है वो कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरफ आपके औजे शम्स है,
आपके खाने माल का हाकिम सियारा 11 जुलाई को एन अपने शर्फी दर्जात पे होगा। ये चीज़ आपकी माली पोजीशन को भी बेहतर करेगी और आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उनको भी अप करेगी। पब्लिक में आप नुमाया होते नज़र आ रही हैं। ये दो चीज़ें जो वो मिल गई, 11 को ही औजे शम्स है, 11 को ही जो है वो कमर दरकर भी है, लेकिन जो मेरी 14 साल की प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो ये बताती है कि अगर ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो औजे शम्स जो है वो आपके कमर दरकब के असरात को इंशाल्लाह ये दबा लेगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि सन आपके ताले में मौजूद है, ये इसके इम्पैक्ट को कम कर देगा। तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स तो आपकी इंशाल्लाह सिक्योर होती नज़र आ रही है। बहन भाई अजीज़ो कारब, इनके साथ ताल्लुकात आपको मोहतात रवि से चलाने होंगे क्योंकि मरकरी ही जो है ये आपके तीसरे घर का हाकिम है। तो यहाँ पे इसकी रेट्रोग्रेशन जो है वो ये बताती है कि आपको कुछ इजाफी अखराजात अपनी सोशल एक्टिविटीज़ अपने बहन भाई अजीज़ो कारब के ऊपर भी हैं वो करने पड़ सकते हैं। तो इस वक्त अब आपने उधार स्पेशली ये देने से गुरेज करना, हाँ आप अपने जानते बूझते समझते हुए कि ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे अपने किसी बहन भाई की मदद करना चाहें तो ज़रूर करें, ये एक अजर अजीम का है। लेकिन अगर आप उसको ऑन ड्यू दे रहे हैं तो फिर नहीं, फिर ये जहन में रखिएगा कि ये पैसे आपको वापस मिलना बड़ा मुश्किल होंगे। नज़दीकी सफ़रों में भी आपको अखराजात में इजाफे का सामना करना पड़ेगा, आपके बहुत सारे पैसे आपकी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ पे जो है वो भी लगते नज़र आ रहे हैं। आपके चौथे घर का हाकिम सियारा ताले में, तो फैमिली घर, घर का माहौल और पीस ऑफ माइंड, ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त। सवारी और जगह की तब्दीली के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त है। अगर आप ऐसा कोई भी फैसला करना चाहें तो ये आपके लिए बड़ा ही सूदमंद साबित हो सकता है। इस वक्त बहुत सारी तवज्जो आपकी जो है वो रेनोवेशन की तरफ जाएगी और आपकी वालदा के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, उनके उनकी पर्सनालिटी के इस वक्त आपके ऊपर बड़े ही गहरे असरात जो हैं वो मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। आपकी मंगनी तय पाने के कभी इम्कान अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कमर दर अकरब है 11, 12, 13, तो इन दिनों को आपको फोकस करना है। सदका दे के आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, तो इस तरह अगर आप इसके ब्रेक कर लें तो फिर आपकी मंगनी भी हिफ्ज़-ओ-अमान में रहेगी और आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस हफ़्ते आपको कुछ बेहतर जो है वो रिज़ल्ट मिलेंगे और अगर आप औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं तो इस हफ़्ते में आपको जो है वो कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी सेहत, आपके शादी अजवाजी ताल्लुकात, जॉब, आपके विरासती मामला, बैरून मुल्क सफ़र, आपके सोशलिटी ज़ुकरब, ये तमाम चीज़ें हम पिछले हफ्ते से डिस्कस कर रहे आ रहे हैं, ये बेहतर नहीं है और आपको इस पर ख़ास तवज्जो देनी है। बहुत अहम चीज़ आपका कैरियर, आपका रोज़गार, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर, इनके साथ आपके ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ें जो पिछले काफ़ी अरसा में ख़राब रही थी अब बेहतरी की तरफ जो है वो डे बाई डे चलना शुरू हो चुकी हैं। और आपके वालिद जो है वो आपकी जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आपके वालिद आपको आपके करियर रोज़गार बनाने के लिए आपको जो है फाइनेंस दे सकते हैं, बल्कि आप अगर उनके साथ मशावरत से चलें तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को बहुत स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। आप इस ये वक्त है कोई नए स्टेप्स लेने का और जारी जो मनसूबा जात हैं उसको बड़ी तेज़ी के साथ आप कवर करने की अहलियत रखेंगे। मजमूई तौर पे ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है और ऐन मुमकिन है, अगर आप कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि इस वक्त में आपको जो है वो तरक्की जो कि आपकी ड्यू थी वो मिल सके। अपने सीनियर के साथ आपके ताल्लुक जो है वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आपकी 11वें घर का हाकिम सियारा जोरा आपके ताले में रहते हुए आपकी खुशबख्ती में इजाफा कर रहा है। दोस्त अहबाब आपके साथ भरपूर तावन कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात की तकमील में भी और आपके साथ मिल के इस वक्त वो जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप खुद, और इसी तरह से आपकी खुशबख्ती में जो है वो इजाफा हो रहा है। लक इस वक्त आपकी पूरे अरूज पे है, तो आपके लिए ये बड़ा ही अच्छा वक्त। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए 7 जुलाई से 1 अगस्त, नोट कर लीजिएगा 7 जुलाई से 1 अगस्त, ये वक्त अच्छा नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करेंगे आपके केस डिक्लाइन हो सकते हैं या आपको डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो प्रॉब्लम आएगी। एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी रह गई थी, उसकी वजह से आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकी, तो इस वक्त अप्लाई करने से आपको गुरेज करना है। इसी तरह सवारी और जगह की तब्दीली भी बैरून मुल्क रहते हुए बेहतर आपके लिए नहीं होगी। मजमूई तौर पर ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा हफ्ता है और उम्मीद करता हूँ
कि आप इसको मेरी फराम करदा मालूमात की रोशनी में मज़ीद बेहतर कर लेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा और दोस्त अहबाब फैमिलीज़ के साथ आप इस वीडियो को जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा अगला ज़ोडिक साइन लियो यानी कि बुर्ज असद। ऐसे तमाम अफराद जो कि 22 जुलाई से लेकर 23 बल्कि 20 21 22 ये तीन जो है ना कन्फ्लिक्ट करता है थोड़ा सा, और वो बड़े लोग सवाल ये करते हैं जी कि आपने कभी ये बता देते हैं कभी वो बता दें। देखें ये शमसी निज़ाम शमसी में जैसे लीप का साल आता है ना तो उसमें 28 का महीना भी आता है, तो वो सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सा है। और कई बार जो है वो एक दिन पहले और कई बार एक दिन बाद में भी जो है वो शम्स जो है वो अपना घर तब्दील करता है, तो ये एग्जैक्ट पता चलता है आपके जायचा पैदाइश से। अगर आप बिल्कुल आखिरी डेट हैं जिसको कि हम जो एस्ट्रोलॉजी में कस्प कहते हैं, अगर आप उसमें पैदा हो रहे हैं तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा। आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं? आप इसको अपना जायचा बनवा के दूर कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट क्या है, तो उसके लिए फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ ये आपको बताएगा कि आप एग्जैक्टली किस ज़ोडिक साइन में जो है वो फॉल करते हैं। तो आप लियो से, हाकिम सियारा शम्स है और दिन इतवार आपसे मंसूब है, आपका लकी दिन है और डिजिट 1 आपका लकी डिजिट है। इस हफ़्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके जायचे के 12वें खड़ा है जो कि लाशौरी तौर पे कुछ डिस्टर्बेंस भी पैदा कर रहा है। 12वां घर जो है ये बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव भी है। 12वां घर खुफिया साजिशों का भी घर है, जब ये स्ट्रांग होता है तो आपके खिलाफ खुफिया साजिशें जो है वो अपने अरूज पर चली जाती हैं। अगर ये आपके ताले का हाकिम 12वें में चला जाए तो प्रॉब्लम होती है, आप शऊर और लाशौर दोनों में जो है वो दरमियान में फंस जाते हैं और उसमें कई बार गलत फैसले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बड़ी डिफरेंट सी है इस वक्त। आपके 12वें घर जो है शम्स का औज है, चूँकि एन 11 जुलाई को अपने शर्फ औजी दर्जात पे होगा और इसका अरूज जो है वो आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है उसको बढ़ा देगा। दूसरी तरफ 12वें घर का हाकिम सियारा जो है वो 11 12 और 13 जुलाई को जो है वो हबूत में होगा, तो एक तरफ आपके खुफिया दुश्मन मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ परवरदिगार ने मेहरबानी की और वो कमज़ोर हो रहे हैं, दोनों चीज़ें मिलकर चलेंगी। इसी तरह मैं आपको 12वें घर की बाकी मंसूबात भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो दूसरी तरफ आपके लिए मदद जो आई है वो मार्स की शक्ल में ही, मार्स आपके ताले में जो है वो औज में है, इसका औज जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों में जो है पॉजिटिव कर देगा। आप थोड़ा ज़्यादा अब जो है वो बोल्ड हो जाएंगे, ब्रेव हो जाएंगे। जो सन की जो कमी है वो मार्स जो है वो दूर कर देगा, ये परवरदिगार की तरफ से एक मदद है। लेकिन इसके साथ साथ मरकरी है जो कि 7 जुलाई को जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, हफ्ते के आगाज़ में ही सैटरडे से ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जैसे ही ये रेट्रोग्रेड होगा तो आपके मिजाज में नेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी और आप इजाफी खर्चात की तरफ जाएंगे, आप फजूल खर्ची की तरफ जा सकते हैं। तहरीर और तकरीर में आपको मोहतात रहना है, कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं, आपको मोहतात रहना है। दोस्त साहब आपके साथ तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं आपकी गुफ्तगू की वजह से, या उनकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी वाला मामला जो है वो चल सकता है। ये सिलसिला जो है वो 1 अगस्त तक चलेगा। इसको आप जो है 500 ग्राम मूंग साबत बुध वाले दिन अदा करके बेहतर कर सकते हैं। कमर दरकब का जहाँ पे आपको फ़ायदा है वहीं पे आपको नुकसान भी है। फ़ायदा ये होगा कि आपके खुफिया दुश्मन जो है वो मजबूत नहीं होंगे और वो डाउन हो जाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि आपके चौथे घर, आपके घर का माहौल, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, आपकी वालदा, यहाँ पे आपके मामला जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, ख़ानदान के अफराद के साथ आपके मामला डिस्टर्ब होंगे। तो इसके लिए 2 किलो टोटा चावल, आटा और दूध सदका जो है वो आप दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज़
2 किलो आप किसी मुस्तिक को दे दें या परिंदों को डाल दें, ये आपके लिए ज़बरदस्त होगा। आपके जो समाजी तल्लुकात है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त नहीं, क्योंकि वीनस भी जो है वो जायचे के बारे में खड़ा है। ये कुदरत का बड़ा अजीब सा निज़ाम है। यही वीनस जो कैंसर वालों के लिए बड़ी अट्रैक्शन पैदा कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए हो रहा है, तो वहीं यही वीनस आपके जायचे के चूँकि बारहवें चला गया तो प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट कर रहा है। तो आपको बहुत ही मोहतात रहना है नज़दीकी सफ़रों में, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में, बहन भाई जोकार यहाँ से कुछ आपके अगेंस्ट जो है वो लेग पुलिंग्स हो सकती हैं, कोई कॉन्सप्रेसी जो है वो यूज़ हो सकती है, मोहतात रहिएगा। सवारी जगह की तब्दीली के लिए बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन क्योंकि मरकरी आपके ताले में है और मार्स के बिल्कुल करीब है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करवा सकती है, तो आप ये काम मशावरत से करें तो बहुत अच्छा। काम करने से रुकने की नहीं मैं कह रहा, मशावरत से कीजिएगा तो इंशाल्लाह। इस हवाले से अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्रोफेशनल जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है उसकी खिदमत हासिल कर सकते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं कर रहे, तो अपने मामलात को बेहतर तरीके से आप लेके चलिएगा। आपकी मंगनी, आपकी सेहत, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपके शादी अज़वाजी तल्लुकात, आपके वरासती और माली मामलात, सियारा मुश्तरी और सियारा जोल की वजह से, रिजत की वजह से, ये सब मामलात आपके जो है वो खटाई में चल रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं, आप कंफर्ट जोन में नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ मैं पिछले कई हफ्तों से बता चुका हूँ और अब इस पर मज़ीद नहीं बात करूँगा, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपके नामे घर का हाकिम जो है वो अब आपके ताले में औज के घर में है, तो आपका बैरून मुल्क जो सफ़र है उसकी राहें खोल रहा है, आपके स्पिरिचुअलिज्म की राहें खोल रहा है। और नौवें घर का हाकिम जो है वो अच्छी पोजीशन में ताले में, और बारहवें में आपके जो है वो शम्स का औज, ये दोनों चीज़ें मिलके आपको एक नए रूहानी सफ़र पे जो है वो चला सकती हैं। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो लोग तवज्जो रखते हैं विरत वज़ाइफ के लिए ख़ास तौर पे, उनके लिए ये बहुत ही आइडियल टाइम है। सोशली जोकर के साथ के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। एजुकेशन स्पेशलाइजेशन अगर आप कोई कर रहे थे उसके लिए हालात बेहतर हैं। आप कोई रूहानी सफ़र की तरफ जो है वो चल सकते हैं, यानी ज़ियारत मुकद्दसा जो है उसके लिए रास्ते आपके लिए ओपन हो गए, या आप हज ज़ियारत के अलावा उम्रा की अगर सियादत हासिल करना चाहते हैं तो भी आपके मामला बेहतर हो गए। इसी तरह आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ ये कुछ मिला जुला मामला बेहतर भी हुए और ये जायचे के बारे में भी चले गए, तो आप लाशोरी तौर पर अपनी मदर इन लॉ से कुछ थोड़ा सा जो है वो खाइफ होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन परेशानी की इतनी कोई बात नहीं है क्योंकि सन यहाँ पे मौजूद है, वो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को जो है वो कवर कर लेगा। तो स्पेशली वो लोग जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है। और अगर आपका कोई भी बिज़नेस का जो सोर्स है या आपका कोई ज़रिया आमदन जो है वो बैरून मुल्क से वाबस्ता है तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वक्त है। बैरून मुल्क इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए अच्छा है, बैरून मुल्क क्याम पसी रखते हैं, प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं या सवारी या जगह की तब्दीली करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। तो मजमूई तौर पे देखूँ तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम। कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त, तो इसको अगर आपने बेहतर तरीके से प्लान कर लिया तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको मालूमात फराहम करता हूँ आपको उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। और इसके अलावा इस हफ़्ते आपके लिए जो है वो याकूत और मरजान, ये दो स्टोन पहनना बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। स्पेशली मैं इस वक्त कहूँगा कि अगर आप मरजान पहनें तो ये आपके लिए बहुत सारे फ़वाद का बायस बन सकता है। हमारा अगला ज़ोडिक विर्गो यानी कि बुर्ज सुबला, ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अगस्त से लेके 23-24 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये विर्गो होते हैं। और अगर आपको कंफर्म आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता किसी भी वजह से और नाम के जो पहले रूफ हैं वो पे या गैन से हैं तो भी आपके ऊपर बुर्ज सुबला के ही असरात होंगे। आपके लिए जो बेहतरीन जेम स्टोन्स हैं वो इस वक्त तो आपके लिए सबसे अच्छा जो है वो एमरल्ड है, एमरल्ड वेयर कीजिए, या आप फिरोज़ा पहन सकते हैं,
येलो सफ़ायर पहन सकते हैं, येलो गेट यानी कि जर्द अकीक जो है वो पहन सकते हैं, कोई भी पत्थर इन चारों में से अपनी हस्ब इस्तेताल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनसे आप बच सकें। आपका जो लकी दिन है ये बुध है और लकी जो अदद है ये 5 होता है। इस हफ़्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका अपना हाकिम सियारा आपके जायचे के 12वीं है, इस हफ्ते के आगाज़ में 7 जुलाई को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसकी रिजत जो है वो आपको कुछ लाशौरी तौर पर डिस्टर्ब करती नज़र आ रही है। आपके स्पिरिचुअल मामला जो हैं उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। आपको अपनी गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी है, अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखिएगा। हर बुध को जो है वो आधा किलो मूंग साबुत का सदका दीजिए, दुआए रद्दे नुसरत सरगन बाकायदगी के साथ पढ़िए, ये आपके लिए अजहद जो है वो ज़रूरी होगा। आपकी माली पोजीशन जो है बहुत अच्छी चल रही है, 11वें घर में जोहरा की मौजूदगी आपके दोस्त अहबाब की तरफ से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है। और इसके अलावा 11वें घर में मौजूद जो शम्स है वो भी उसका औज जो है वो एग्जैक्टली 11 जुलाई को है, ये भी आपके मामलात को बहुत ही बेहतर कर रहा है, तो आपकी लक में जो है वो इजाफा हो रहा है। और इस तरह आपकी माली पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंशाल्लाह। ये वक्त आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है। आपके करीबी जोकर बहन भाई, आपकी सोशल एक्टिविटीज़, ये इस वक्त बड़ी ही अहम चीज़ है। आपके जायचे के 12वें मौजूद है, नज़दीकी सफ़रों के हवाले से बड़ी एहतियात से आपको ड्राइव करनी है। और इस वक्त आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे अपने नज़दीकी सफ़रों से, अपने बहन भाइयों से, अजीज़ोकारों से। अब लाशौरी तौर पर कुछ थोड़ा सा गैप बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और इस वक्त गैप बनाना आपके लिए बेहतर भी होगा क्योंकि जायचे के 12वें मौजूद है। तीसरे का आगम जब 12वें में चला जाए तो ये आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी जो है खुफिया साजिशें करवा सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा गैप में ले जाएं। और साथ में मरकरी है जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, रेट्रोग्रेड है, तो गुफ्तगू में बहुत एहतियात आपको करनी है। आपकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपके लिए खुदा न खास्ता बदनामी का बायस बन सकती है, बहुत एहतियात कीजिएगा। आपके खानगी मामलात, सवारी, प्रॉपर्टी, आपकी औलाद, मंगनी, आपके लव अफेयर्स, आपके जो बाकी चीज़ें हैं, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपकी शादी, आपके अज़दवाजी तालुकात, ये तमाम चीज़ें जुपिटर और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से बहुत अच्छी नहीं, तो अब आपके लिए और भी ज़रूरी होगा कि आप जो है वो दुआए रद्दे नुसरत सरगन पढ़ें और इस मामले को जो है वो कवर करने की कोशिश करें। आपके 8वें घर का हाकिम सियारा जो है ये मरीख है और ये आपके जायचे के 12वें मौजूद है, तो विरासती मामलात की भी जो हैं वो आपके आपको कुछ थोड़ा सा एक जैसे बंद गली की तरफ घेरा जा रहा है और उस बंद गली में लेके जाके आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वक्त आपके खुफिया दुश्मन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते नज़र आ रहे हैं, आपको एहतियात करनी है। अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से या विरासती मामलात के हवाले से तो इनको प्रलॉन्ग कर लीजिए, कम से कम इस महीने आपके लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। 30 जुलाई के बाद जाके हम इसको देख सकेंगे कि कब आपके हालात जो है वो बेहतर होंगे। तमाम महीना इस हवाले से आपके लिए बेहतर नहीं होगा, आपको मोहतात रहना है। आपके बैरून मुल्क सफ़र, आपके सोशली जो कारब, आपका स्परिचुअलिज़म, आपके रूहानी सफ़र, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी पोजिशन में। दोस्त अहबाब आपको बहुत इस वक्त हेल्प कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ही अच्छा वक्त होगा, स्पेशली अगर आप कुछ घूमने फिरने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करना इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त फ़वाद का हामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बेहतरीन वक्त है, लेकिन आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को 2 बार 6 बार जो है वो चेक करके फिर अप्लाई करना है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई सुकुम रह सकता है जिसकी वजह से आपका केस खुदा न खास्ता रिजेक्ट हो सकता है। इसके चांसेस रेयर हैं लेकिन मौजूद हैं, बताना आपको इसलिए था ताकि आप मोहतात रहें और इस मामले को कवर कर सकें।
कैरियर रोजगार के हवाले से आपको बहुत ही सोच समझ के फैसले करने हैं, जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अपने वकील से ज़रूर रब्ता कर लें, या कम अज़ कम अपने किसी ऐसे फ़र्द से जो कि आप समझ सकते हो कि ये आपके साथ लॉयल है उसके साथ रब्ता ज़रूर करें और उसकी मशावरत के साथ करें। मुमकिन हो तो इनको ड्रैग ऑन करके इस महीने के एंड तक ले जाएं, यकम अगस्त तक आपका जो मरकरी है ये रेट्रोग्रेड में है, मरकरी आपके कैरियर का हाकिम से आ रहा है। इसी तरह जो जॉब पर्सन लोग हैं उनको अपने सीनियर की जो है उसकी प्रॉक्सी का सामना करना पड़ेगा, वो अब आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, तो आपकी जो है वो तरक्की जो है खुदा ना खास्ता इस वक्त रुक सकती है। या आपकी अगर प्रोसेस में है, आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या प्राइवेट भी हैं, तो भी आपका जो प्रोसेस है तरक्की का वो उसको डिले में चला जाएगा। तो आपको इसको सिक्योर करने के लिए भी बेहतर है कि आप एमरल्ड पहने, एमरल्ड आपको इस वक्त इन चीज़ों से जो है वो बचा सकता है। तो मजमूई तौर पर ये आपके लिए एक अच्छा हफ्ता। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम, 11, 12, 13 कमर दरकब है, ये आपके 11वें घर का हाकिम है और आपके जायचे के तीसरे जो है इसको हबूत होगा। 11, 12, 13 नज़दीकी किसी भी सफ़र से गुरेज कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ इख्तलाफात से, बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात से आपको गुरेज करना है और 2 किलो टोटा चावल आटा या दूध का सदका दे के आप कमर के इसके मनफी असरात से इंशाल्लाह महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी और हमेशा इसी उम्मीद पे बनाता हूँ और आपके कमेंट्स जो हैं वो बताते हैं कि आप इनसे भरपूर मुस्तफीद होते हैं। मेरे लिए ये बात बहुत ही बायस इत्मीनान है कि आप इससे मुस्तफीद होते हैं, कुछ मैं आपको डिलीवर कर पाता हूँ। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको जो है बर वक्त ये वीडियोज़ मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ कि औजे शम्स की जो मैंने वीडियो आपके लिए पेश की उससे आप भरपूर तरीके से मुस्तफीद होंगे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हमारा अगला ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। ऐसे तमाम अफराद जो कि 23 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं ये लिब्रा में आते हैं, और वो अफराद जिनको अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता ना हो और नाम के जो पहले हरूफ हैं वो रे ते या तोई से हों तो भी आप बुर्ज मीज़ान में आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस यानी कि सैयारा ज़ोहरा है और अदद 6 जो है वो आपका लकी अदद है। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औजे शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक़्त होता है वो औजे शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ आपके लिए जो बेहतरीन जेम स्टोन है इस वक्त भी और फॉर एवर जो आपके लिए होता है वो ओपल होता है। ओपल आपके लिए बेहतरीन जेम स्टोन है जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस से मुतल्लिक है। इसके अलावा आप ब्लू टुपाज पहन सकते हैं, वाइट सफ़ायर पहन सकते हैं और इसके अलावा आप जो है वो डायमंड भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन डायमंड और ब्लू सफ़ायर दोनों के बारे में आपको बता दूँ कि ये स्पेशल रिकमेंडेशन के बगैर ना पहनिए। और स्पेशल रिकमेंडेशन कैसे, आप अपना जायचा बनवा के तो देख सकते हैं कि क्या डायमंड और ब्लू सफ़ायर आपको सूट करते हैं, क्योंकि ये दोनों की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो ये इनका रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितने की इनकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होगी। इस हफ्ते में आपके लिए बहुत सी पॉजिटिव जो चेंजिंग्स हैं वो सबसे पहले आपको बताऊँगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वीनस ही आपके जायचे के 10वें कैरियर के घर में आ गया, तो आपके लिए बहुत सारे नए जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। जो बंद दरवाजे थे आपके लिए जो कि मरीख के हबूत की वजह से आपके लिए बंद हुए पड़े थे, अब इंशाल्लाह वो खुलने शुरू हो चुके। और आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात इस वक्त बड़े ही ज़बरदस्त हो रहे हैं क्योंकि आपके 10वें घर में शम्स जो है वो औज में है। शम्स एस्ट्रोलॉजी में फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह आपके वालिद के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे। इसके अलावा आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से आपके दोस्त जो हैं वो बहुत मदद कर रहे होंगे।
आपकी ख्वाहिशात की तकमील में मौवन आपके फ्रेंड्स, और स्पेशली अगर कोई आपके कारोबारी मामला गवर्नमेंट सेक्टर के साथ हैं और आपके कोई दोस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो वो आपके लिए इस वक्त बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है। इस वाले से मैं कहूँगा कि अगर इस वक्त आप रूबी भी पहने ओपल के साथ साथ, तो ये आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इम्पैक्ट दे सकता है, और इसके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके लिए एक बूस्टर का काम करेंगे। आपके 11वें घर का हाकिम है शम्स, जो आपके कैरियर के घर में मौजूद है। दूसरी तरफ आपके खाना माल का हाकिम सियारा आपके जायचे के 11वें मौजूद है। 11वें इसकी मौजूदगी आपकी माली पोजीशन को डे बाई डे जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, और इसके हवाले से आपके दोस्त, आपका कैरियर, आपका रोज़गार, तमाम चीज़ें आपको बहुत ही स्पेशल फेवर करती नज़र आ रही हैं। इस वक्त आपकी माली पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे मरकरी साथ में आया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है वो बिला दरेग माली मामलात को जो है वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कदरे मोहतात रहिए। बिला शुबा आपके इस वक्त माली कंडीशन ऐसी है जिसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कदरे मोहतात रहना है, क्योंकि आपने जैसे देखा पिछले दिनों मार्च नेगेटिव था, तो ये सदा पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, इसे नेगेटिव भी होना है, तो थोड़ा मोतदिल होकर इतदाल के साथ अगर चलेंगे तो ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। आपके सामाजिक ताल्लुकात, आपके बहन भाई, जोकार, नज़दीकी सफ़र, फैमिली, प्रॉपर्टी और सवारी, जगह, आपकी औलाद, बच्चे, आपकी मंगनी, आपकी सेहत, आपकी जॉब, ये तमाम चीज़ें पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी जो है वो बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है। आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं, जो रुकावट थी मरीज के हबूद की वजह से वो ख़त्म हो चुकी है, अब आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना बहुत ही मुमकिन है। अभी भी अगर आपकी शादी के मामले में कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं होती, तो फिर बेहतर होगा कि आप अपना जायचा बनवा के देखें, क्योंकि जो इस वक्त पॉजिटिविटी मौजूद है वो शायद इस साल की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसको अवेल कीजिएगा। इसी तरह आपका कोई दोस्त जो है वो आपके साथ शराकतदारी की ऑफ़र आपको कर सकता है, और इस वक्त शराकतदारी की ऑफ़र कबूल करना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह नताइज का हामिल होगा। सिर्फ एग्रीमेंट साइन करते वक्त आपको बहुत ख्याल करना है, बेहतर होगा। बेशक ही आपका दोस्त है, आपका सब कुछ है, लेकिन रिटर्न में कीजिए, और अगर आप कोई सिक्योरिटी चेक वगैरह ले सकें इस वक्त, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। विरासती मामलात, मुश्तरका माली मामलात, ये भी आपके अच्छी पोजिशन में, और इस हवाले से जो कारोबारी आपके जो तसलसल है वो बड़ा अच्छा हो रहा है, और आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप कारोबार को एक्सटेंड करने की पोजीशन में बड़े ही ज़बरदस्त खड़े हैं। आपके सुसाली तो करब के साथ आपके तल्लुकात 7 जुलाई के बाद कदरे फिर कशीदा होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 7 जुलाई से 1 अगस्त तक मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड में होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आपकी मामलात को ख़राब कर सकती है। इसी तरह बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपका जो केसेस हैं वो इल्तवा के शिकार हो जाएंगे, और या आपका क्लिस्ट डिक्लाइन हो सकता है। मेरे पास ऐसे कई मामलात आते हैं जिसमें वो कहते हैं जी कि हमें कोई जवाब नहीं आ रहा, हमने पैसे दिए हुए हैं और हमारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग में चले गए, हमें समझ नहीं आ रही क्या होगा। तो वो ऐसे ही केसेस होते हैं कि वो सही वक्त का इंतखाब नहीं करते, अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते, बहुत लॉन्ग प्रोसेस के बाद जी तहकीक हो रही है उसके बाद केस डिक्लाइन हो जाता है। तो एक बेहतर वक्त का इंतखाब जो है वो आपको बेहतर नतीज पे जाके खड़ा करता है। इस वक्त आपको इन चीज़ों से बचना है, आपके सफ़र जो हैं वो पेंडिंग हो सकते हैं, मोहतात रह के आप इन मामलों को लेके चल सकते हैं। आपके दोस्त अहबाब इस वक्त भरपूर तरीके से आपका फ़ायदा दे रहे हैं, लक आपकी पूरे अरूज पे है, और इसका आपको भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। ये वक्त आपके माली मामलात में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए भी अब वक्त जो है वो बेहतर नहीं होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, 7 जुलाई से 1 अगस्त तक ऐसी किसी भी कोशिश से आपको गुरेज करना है, और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो सवारी और जगह की तब्दीली आपके लिए इस वक्त बेहतर नहीं होगी। आपसे कोई जल्दबाजी में गलत फैसला हो जाएगा, या किसी दोस्त के कहने में आके अगर आपने ऐसे किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा डिक्रीज़ कीजिए, और लाजमी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, थोड़ा सा आप इस मामले को तहम्मुल और बुर्दबारी से लेके चलें तो मामला आपके लिए बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी,
और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो शम्स के हवाले से ये आपके ऊपर क्या असर मुरतब कर रहा है, ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो आपके लिए मैंने दे चुका हूँ और आप इससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, कितना फ़ायदा ले सकते हैं, कुदरत आपको क्या दे रही है और इसमें आप कैसे जो है इसको मज़ीद अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं, ये सब उस वीडियो में मौजूद है, देखना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला सोडिक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक्रब। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अक्टूबर से लेके और 23-24 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं ये स्कॉर्पियो में आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स यानी कि मरीख है। अदद आपका जो है लकी वो 9 है और दिन मंगल आपसे मंसूब है। जवाहरात में आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो मरजान यानी कि कोरल है और इसके अलावा आप रूबी पहन सकते हैं, आप सुर्ख अकीक पहन सकते हैं, इसके अलावा आप गार्नेट पहन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त हैं। इस हफ़्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है। इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शर्फ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है। ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मौजूदा हालात में जो इस वक्त आपके चल रहे हैं उसमें आपके लिए मरजान पहनना इंतहाई फ़ायदेमंद है। और अगर आप मरजान अफोर्ड नहीं करते तो कम अज़ कम सुर्ख अकीक ज़रूर अपने हाथ में पहने। ख़वातीन इसको ब्रेसलेट ये गले में भी पहन सकती हैं और मेल हज़रात इसको गले में और हाथ में जैसे भी आप पहनना चाहें आप पहन सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का मरजान लेके पहने, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदा इससे क्या होगा, मरीख जो है ये आपके पहले और छठे घर का हाकिम है। पहला घर आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पब्लिक इमेज और आपकी कुव्वत इरादी और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, ये इससे मुतल्लिक है। छठा घर आपकी सेहत है, आपकी जॉब है, आपके मुलाजमीन है और आपके मुखालफीन भी छठे घर से देखे जाते हैं। ये आपके जायचे के 10वें यानी कि कैरियर के घर, जायचे का अहम तरीन जो घर है, मैं देखता हूँ कि पहले घर के बाद जो सबसे अहम है वो आपका 10वां घर होता है। तो 10वें घर में ये औज की हालत में मौजूद है। इस वक्त अगर आप ये पहनेंगे तो ये जो पॉजिटिविटीज़ मैं आपको बताई ये उनको बूस्टअप कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा। स्टोन्स क्या करते हैं, स्टोन्स बेसिकली स्टार्स की कॉस्मिक वेव के रिसीवर हैं। ये मैं अपनी अवलीन जो वीडियोस थे उसमें बता चुका हूँ। ये स्टार्स की जो कॉस्मिक वेव्स हैं उसको रिसीव करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जैसे कलर्स आप पे असरात मुरतब करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर आपके ऊपर असरात मुरतब करते हैं, जैसे धूप आपके ऊपर असरात मुरतब करती है, इसी तरह जैसे ग़िज़ा, जैसे आजकल आप देखें लीमू है तो लीमू आपके लिए बेहतरीन फरत बख्श साबित होता है। आप वाटरमेलन देख लें, आप और फल देख लें, कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया है कि जो चीज़ जब आपके लिए बेहतर होती है तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन ये जेमस्टोन्स एज ए मिनरल तक यूज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो उतबा जो है यानी तबीब जो हैं वो मरजान के कुश्ते बनाते हैं, डेफिनेटली इसके बहुत सारे फ़वाद मौजूद हैं। तो इस वक्त जो फ़वाद आप हासिल कर सकते हैं इसको पहन के वो मैंने आपके गोश गुजार किए। आपकी माली पोजीशन, आपकी समाजी तल्लुकात, बहन भाई, अजीज़ उकारब, नज़दीकी सफ़र, बेसिक एजुकेशन, आपकी रिहाइश, प्रॉपर्टी, ख़ानदान, वालदा, आपकी मंगनी, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की, आपके लव अफेयर्स, आपकी औलाद, आपके बच्चे, ये चीज़ें पिछले हफ्ते की तरह अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका। अगर आप इनके नेगेटिव इंपैक्ट से बचना चाहते हैं तो हर दिन उसद सियारगान पढ़िए और इन सियारगान से मंसूबा यानी जोहल और मुश्तरी से मंसूबा सदका देना अपना मामूल बनाइए, तो इंशाल्लाह इनके नेगेटिव इंपैक्ट को आप ब्रेक कर लेंगे, तो कम अज़ कम पॉजिटिव अगर नहीं होगा तो न्यूट्रल तो हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। जॉब आपको नई ऑफ़र हो सकती है, आपको इस वक्त एक ऐसी जॉब ऑफ़र हो सकती है जो कि आपके कैरियर रोज़गार को मल्टीप्लाई कर देगी। आप इस वक्त बेहतरीन कैरियर का फ़ैसला करने की पोजीशन में हैं क्योंकि आपके ताले का हाकिम आपके कैरियर के 10वें औज में है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका,
तो इस वक्त आपको जो जॉब ऑफर होगी वो आपके लिए बेहतरीन नतीजे के हामिल होगी। जॉब स्विच करने का अगर आप सोच रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो पहली फुर्सत में आप इसको ले सकते हैं। बेहतर समझें तो मशावरत कर लीजिएगा हमसे, नहीं तो आपके लिए ये ओपन है। इसी तरह आपकी सेहत पे भी जो मनफी असरात मौजूद थे मरीज के बहबूद की वजह से, अब वो ख़त्म होकर आप रूबा सेहत और आप डे बाई डे आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। अभी भी अगर खुदा न खास्ता आपकी सेहत में बेहतरी ना आए तो फिर बेहतर है एक बार अपना जायचा बनवा के देख लें कि क्या प्रॉब्लम है, वरना इस वक्त जितने भी स्कॉर्पियंस हैं उनकी सेहत जो है वो अब बेहतरी की तरफ चलना स्टार्ट हो चुकी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैंने बताया था कि इसके छठे घर की जो मंसूबात हैं उसमें ये आपकी ज़ाहरी मुखालफतें हैं, तो आपकी कुछ ज़ाहरी मुखालफतें स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी को लेके और आपके कारोबार को लेके कुछ मुखालफतों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, आप 261 मरतबा या मालिक को या कुद्दूस पढ़ें, और स्पेशली अगर मरजान हाथ में पहन के पढ़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंशाल्लाह। या मालिक को या कुद्दूस 261 मरतबा अव्वल आखर नौ मरतबा दुरूद पाक, जो कि आपका लकी अदद है उसके मुताबिक पढ़ें। अगर आप देखें तो 261 तो ये भी 9 ही बनता है, डिजिट 9 आपका लकी, और या मालिक या कुद्दूस के अगर आप आदाद निकालेंगे तो वो भी 261 ही निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं था जो मैंने आज ओपन की आपसे बात। आपकी शादी तय पाने के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं, आपके जो अज़दवाजी तल्लुकात हैं उस पर मौजूद दबाव जो था वो ख़त्म हो चुका, अब आप इंशाल्लाह अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे, और इसके लिए इसमें आपके जो ससुराली जो कर्म हैं वो भी बेहतरीन तरीके से मुआवनत करते नज़र आ रहे हैं। और आपको नई शराकतदारी की ऑफ़र भी हो सकती है, आपका कोई करीबी अजीज़ ससुराली अजीज़ स्पेशली आपको शराकतदारी की ऑफ़र जो है वो कर सकता है, शरीके कार के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ऐन मुमकिन है कि इस हवाले से अब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करें, कोई तवील सफ़र, कोई बैरून मुल्क का सफ़र भी आप इख्तियार कर सकते हैं। वरासती मामला मुश्तरक माली मामला ये अभी भी अच्छी पोजिशन में नहीं होंगे, क्योंकि सात से ये कमी गज़ जो है वो अतारत की रिजत है, तो अतारत की रिजत जो है वो इन आपके मामला को कुदरे दबाव का शिकार कर सकती है। आपके बैरून मुल्क और सफ़र और स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है वो बनी हुई है। आपके नामे घर में शमस का अरूज है, यानी कि औज, शमस का जो औज है ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। शम्स जो कि आपके कैरियर का हकीम शेयर है, तो इस वक्त अगर आप कारोबारी नुक्ता नज़र से कोई बैरून मुल्क सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए फ़वाद का हामिल हो सकता है। इस हवाले से 11 जुलाई जो है वो बेहतरीन वक्त है, इस दिन अगर आप अप्लाई करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो जहन में रखिए कि 11, 12, 13 कमर दरकब भी है, तो कमर दरकब का सदका दे के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कमर दरकब का सदका 2 किलो टोटा चावल या आटा या दूध, ये हर महीने कमर दरकब आता है, आप इसका सदका जो है वो बाकायदगी से दिया करें। इसके हवाले से अपडेट जो इसकी टाइमिंग और इसका दौरानिया सब हमारे फेसबुक पेज पे भी आता है और हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी यूट्यूब पे भी जो है वह हम उसको अपडेट करते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाता है। तमाम जगहों पे हमारी जो मीडिया टीम है वो आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से मैं बता चुका, मरीख अपना औज आपके कैरियर के घर में दे रहा है, दूसरी तरफ कैरियर का हाकिम स्यारा शम्स वो भी 11 को औज में आ रहा है, तो ये आपके लिए साल का बेहतरीन वक्त है, इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कैरियर के हवाले से ये वक्त तब्दीली का वक्त है, नए स्टेप्स लेने का वक्त है और कुछ पॉजिटिव करने का वक्त है। आप इस वक्त परवरदिगार आपको हिम्मत दे रहा है तो आप कोई भी अच्छा स्टेप जो ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपको गुरेज करना। मरकरी जायचे के 10वें मौजूद है, रेट्रोग्रेड हो जाएगा 7 को, तो कोई गलत फैसला ना करवा दे, मशावरत के साथ कीजिए और तहमुल और बुर्दबारी के साथ इन मामलों को लेकर चलिए, जल्दबाजी से गुरेज करते हुए आप बेहतरीन रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। दोस्त अहबाब से इस वक्त वाबस्ता आपकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी नहीं होंगी, आपकी लक से मुतलका से यारा आपके कैरियर के घर में जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है 7 को, तो शायद दोस्त आपके कारोबारी मामलों में उतनी मावनत ना आपको कर सकें, लेकिन फिर भी मामलात बेहतर होंगे। इसी तरह आपके फादर के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ के साथ, ससुराली ख़ानदान के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं।
इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप, तो उसके लिए बेहतरीन वक्त है, और बैरून मुल्क क्याम करते हुए सवारी और जगह की तब्दीली के लिए भी बहुत ही अच्छा वक्त है, और इसके अलावा ये वक्त स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाने का है आपके लिए। ये एक बहुत ही आइडियल टाइम है अगर आप स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा भी शगफ रखते हैं और विरद वज़ाइफ का कुछ सिलसिला आप लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए एक आइडियल टाइम आपके लिए। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको जो है नोटिफिकेशन मिल। हमारा अगला ज़ोडिक साइन सेगटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 नवंबर से लेके तो 23-24 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम सेगटेरियस में आते हैं। या आपके नाम का कैपिटल वर्ड जो है एफ़ यानी कि फे है तो भी आप सेगटेरियस में आते हैं। लेकिन यहाँ पे या मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी हैं चैनल पर, इसलिए उनके लिए कहता हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म पता हो तो डेट ऑफ बर्थ से देखिए, अदरवाइज़ आप इसको अपने नाम के पहले हर्फ से देख सकते हैं। आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, जो आपका हाकिम सैयारा है, वो मुश्तरी है, और जो आपके लिए दिन जुमेरात है और अदद 3 आपका लकी अदद है। आपके लिए जो बेहतरीन जवाहरात में है इस वक्त पहनना, वो जद पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर है, टर्क्वाइस यानी कि फिरोज़ा पहने। इसके अलावा आप इस वक्त एमरल्ड वेयर करें। एमरल्ड इस वक्त आपके दो मामलों को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बेहतरीन तरीके से टैकल करेगा, एक आपके शादी ज़वाजी मामला और एक आपका कैरी रोज़गार। सरस्वती के इस दौर में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही अहम होंगी, तो एमरल्ड भी पहनना या आप उसकी मुतबादल में पेरीडो भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है। इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर नेगेटिव है, बड़े टाइम से नेगेटिव चल रहा है, रेट्रोग्रेड है। इसके असरात में आपको ऑलरेडी बता चुका, खाना माल का हाकिम सैयारा जोहल जो कि आपके शाक्तीय आपके नज़दीकी सफ़रों का, आपके समाजी तल्लुकात का, आपकी एजुकेशन से मुतलिक और आपकी तहरीर तकरीर से मुतलिक है, ये भी इस वक्त नेगेटिव है। चौथे घर का हाकिम सैयारा भी आपका मुश्तरी है जो कि रेट्रोग्रेड है। चौथा घर आपकी सवारी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ख़ानदान, आपका घर की सुकून, आपका इत्मीनान, आपकी वालदा, ये तमाम मामला बहुत अच्छे नहीं चल रहे। मैंने लास्ट वीक भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, दुआरे दिन उसत से आरगान पढ़िए, ये मेरिकल है। आप इसको पढ़ के देखिए, जो लोग इसको पढ़ रहे हैं वो उनकी जो रिस्पांस आता है वो इतना ज़बरदस्त, ये सुकून कल्ब देखिए आपको, और आप फील करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म को फील करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप स्पिरिचुअलिज्म को फील करना चाहते तो कोई मुश्किल काम नहीं, आप एक बच्चा सड़क के किनारे खड़ा है, आप उसको सड़क क्रॉस करवाइए, आपके अंदर एक इत्मीनान, एक कल्ब आएगा, वो बताएगा कि आपने एक अमले सवाले किया है, आपने एक अच्छा अमल किया है। एग्जैक्टली इसी तरह इबादत जब आप करें तो आपकी यकसुई और आपका तकयन यानी कि यकीन, वो अगर आप साथ लेके चलें तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी जो कि बताएगी कि ये अमल आपको फ़ायदा दे रहा है। इसी तरह अगर कुछ गलत हो तो आपके अंदर मीज़ान लगा है, वो बताता है कि दिस इज़ नॉट गुड। अपनी जो थर्ड आई है उसको ओपन रखा करें, उसकी आवाज़ सुना करें, वो आपको बहुत कुछ बताती है, उस पर फोकस कीजिएगा। आपके पांचवें घर का हाकिम सियारा मरीख जो कि औज के घर में जा चुका, तो इस तरह आपकी मंगनी पे ऊपर जो दबाव था वो ख़त्म हो चुका, अपनी मंगनी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं। आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की वो बहुत अच्छी समझ चलेगी, बच्चों की तरफ से आप कम्फर्ट लेंगे। इसके अलावा अगर आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वक्त आपको उलादिन रीना की जो है उसकी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा आपके लव अफेयर्स भी जो हैं अब वो अरूज पे जाते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ मैं आपको बताता चलूँ, मार्स के साथ मदी जो है मरकरी है, बिल्कुल करीब है और मरकरी रेट्रोग्रेड होने जा रहा है,
तो आपको बड़ी एहतियात से चलना होगा। इसी तरह आप इस वक्त ख़रीदारी अगर कर लें इनामी बॉन्ड्स की, तो आपका जो है वो अगले दिनों में कोई अच्छा इनाम जो है उसके निकलने के कभी इम्कान मौजूद हैं, जो कि बहुत ब्राइट भी हैं। आपकी सेहत, आपकी जॉब, आपके मुलाजमीन, इससे मुतलका सैारा जो है वो आपके आठवें घर में जा चुका। आठवें घर में इसके जाने से आप कदर ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इस ज़हनी दबाव में आके आप अपनी सेहत को डिस्टर्ब कर बैठेंगे। आपको बहुत एहतियात से काम लेना है। जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा। अगर इस वक्त जॉब छोड़ी तो अगला काफ़ी टाइम जो है वो आपको जॉब नहीं मिल सकेगी। तो आपको बड़े ही एहतियात के साथ जो है अपने मामलात को कदम कदम आगे लेके जाना है। आपके मुखालफीन आपके ज़हनी दबाव में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे इंशाल्लाह। इस हवाले से जुमे वाले दिन 600 ग्राम चीनी जो है वो दरख्तों की जड़ों में डालें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी मुस्तहिक को दे दें, ये इंशाल्लाह आपके इन मामलात को कवर करती चली जाएगी। यही वीनस आपके 11वें घर का भी आके में आपकी लक, आपकी खुशबख्ती, आपके दोस्त अहबाब, आपके सडन गेंस, आपके गोल्स, ये तमाम चीज़ें पूरी ना होने से आप ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपके सोशलिज़ो करब, आपके स्पिरिचुअलिज्म, आपकी वीज़ा, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरफ जा रही हैं, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और नामिक हाकिम जो है वो कि वो शर्फ में आ रहा है, लेकिन आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद है, तो वो आपको शराकती माली मामला में फ़ायदा तो दिलवा सकता है, आपको वरासती मामला आपके हल करवा सकता है, लेकिन आपको वो उतना फ़ायदा नहीं दे सकता जितना कि उसको देना चाहिए। सो बी केयरफुल, ज़रा दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। हाँ, मरीख की वहाँ पर मौजूदगी वो आपके इन मामला को बेहतर कर रही है, और उनकी इंशाल्लाह बेहतरी आपके आपको अच्छी तरफ लेके जाएगी। लेकिन सन अपना काम, जो फ्रूट है यानी ये समझ लें कि उसका फल आपको जो है वो 35 से 40% मिल सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो मोहतात रहते हुए आपने कीजिएगा। आपके कैरियर का हाकिम सियारा जो है वो 7, वो भी वही मरकरी है जो मैंने बता चुका, तारा जो है वो रेट्रोग्रेड है 7 से यकमी अगस्त तक ये रिजत में रहेगा। तो कैरियर रोज़गार के हवाले से आप कदर ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपका किसी भी तरह से बैरून मुल्क से रिलेट करता है ये मामला, तो आपको बड़ी एहतियात के साथ अपने एक एक कदम फूंक फूंक के आपको रखना है। इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए एक अच्छा वक्त है। इमिग्रेशन का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बैरून मुल्क क्याम करते हुए आप जो है सवारी और जगह की तब्दीली इख्तियार करना चाहें, वो भी हालात आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। सरस्वती के इस बहरानी दौर में आपके लिए एक एक कदम भी जो है वो बहुत अहम है। अगर आपने अभी तक सरस्वती का कोई हल नहीं किया तो इसका ज़रूर कीजिए, ताकि आपके लिए मामला जो है वो बेहतर करें। दीगर सियारगान जो कि आप को पूरा फ़ायदा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट इस वक्त अच्छा नहीं है, और सैटर्न की जो मौजूदगी है दूसरे और आठवें को मुकाबले की नज़र से देख रहे, ये बहुत अच्छा नहीं है। मजमूई तौर पर सेक्रेटेरियस के लिए कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान मिला जुला है, बहरहाल पहले से कुछ बेहतरी मौजूद है। तो आप इस जो ठंडी हवा के झोंके आप तक आने शुरू हुए हैं, इसको पूरी तरह एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी फ्राहम करदा मालूमात की रोशनी में आप अपने लिए बेहतर लामा अमल तय करेंगे। जिन चीज़ों से मैंने आपको मोहतात रहने का कहा, आप उसमें मोहतात रहते हुए, और जिन चीज़ों को मैंने कहा कि आपके लिए इस वक्त बहुत बेहतर है, उसमें आप फ्री माइंड होके पीस ऑफ माइंड से जो है वो आप इकदाम करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला जोडिक कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज चती। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 दिसंबर से लेके तो 20 जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ये बुर्ज चती में आते हैं, या कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है किसी भी वजह से। समटाइम लोग कहते हैं जी हमारी डॉक्यूमेंट्स में और है, हमारी रियल और है, तो मैं यहाँ भी ये भी क्लियर करूँ, हमेशा अपनी रियल को कंसिडर करें अपना जोडिक साइन सुनते वक्त। और अगर आपको दोनों कन्फर्म नहीं है
तो फिर आप अपने नाम के पहले अल्फ को देखें, जीम खे गाव से अगर आपका पहला स्टार्टअप है तो फिर आप जो है वो कैप्रिकॉर्न में आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है और दिन हफ्ता आपके लिए जो है वो मुबारक साबित होता है, अदद में आदाद में बल्कि मुझे कहना चाहिए 8 अदद जो है वो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ़ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले कई हफ्ते से मैं आपको बता चुका हूँ जुपिटर और सैटर्न दोनों आपके जो है वो नेगेटिव हैं, आज मैं उसके बारे में बात नहीं करने लगा, आज मैं बात स्पेशली करूँगा ये हफ्ते में आपके लिए दो तीन बहुत अहम चीज़ें हैं। शम्स का औज है आपके जायचे के 7वें घर में जो कि 8वें घर का भी हाकिम है, 8वें घर में मरीख जो है वो पॉजिटिव हुआ है और कमर दरकब है, कमर जो कि आपके शाक्तीय जवाजी तल्लुकात का हाकिम है और ये आपके या जायचे के 11वें यानी लग के घर में इसको हबूत होगा। तो आपकी चौथे घर का हाकिम सियारा मरीख, सबसे पहले हम उसको फोकस करेंगे। मरीख जो है वो आपके जायचे के 8वें जा चुका औज में है, कदरे ज़हनी दबाव का आपको बायस बनेगा फैमिली के मैटर्स, लेकिन फिर भी आप उसको जो है वो कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह और आपके मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सवारी और जगह की तब्दीली जो है वो आपके लिए बेहतरी है, सवारी के हवाले से आप कदरे ज़हनी दबाव का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो एक तस्बीह या मालिको या कुद्दूस 261 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बना लें, अव्वल व आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ, तो ये इंशाल्लाह इसकी नेगेटिविटी को आप ब्रेक कर लेंगे और पॉजिटिव जितनी भी इसकी आ रही हैं क्योंकि ये इसमें यहाँ पे औज है वो आप जो है वो ले सकेंगे। इस वक्त 900 ग्राम दाल मसूर का सदका देना या मुर्गी की कलेजी का देना आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ये करके आप अपने घर के माहौल को, वालदा के साथ तल्लुकात को, अपनी सवारी, अपनी प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ों को जो है वो आप इंशाल्लाह अपने कंट्रोल में कर सकते। आपकी मंगनी तय पाने के कवीम करना जो है वो मौजूद है 5वें घर का हाकिम सियारा जोहरा जो कि आपके जायचे के 7वें मौजूद है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपकी मंगनी शादी तय पाने के कवीम करना मौजूद है। बच्चों के हवाले से आप कम्फर्ट फील करेंगे और इसके अलावा आप एजुकेशन अगर स्केल 12 से 14 के दरमियान की ले रहे हैं वो बहुत अच्छी है, आपकी लक में जो है वो इस वक्त इजाफा हो रहा है और आपकी खुशबख्ती है कि बहुत देर की जो रुकी हुई मंगनी और शादी, स्पेशली शादी के हवाले से कहूँगा क्योंकि मरीख का बूथ आपके साथ 7वें घर में, ये दोनों आप जो हैं वो ओपन होकर मामला को बेहतर कर रहे हैं। इसी तरह आपके लकी ड्रॉज का जो है पोजिशन वो अब कदरे पहले से बेहतर हो गई क्योंकि छठे घर में और ज़रूर था लेकिन छठा घर जो है वो एक रुकावट और बंदिश का भी घर काउंट होता है, तो उसके हवाले से भी आपके लिए बेहतरी आ गई। बच्चों के हवाले से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसी तरह आपकी जॉब जो है वो दो चीज़ें अब जो है वो मिला के आपको बताऊँगा, आपकी जॉब, आपकी सेहत, आपके मुलाजमीन, आपके सुसाली ज़ुकारब, आपके तवील दौरानी के सफ़र, आपके स्परिचुअलिज़म, आपकी स्पेशलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें अब इस वक्त जो है आपको एहतियात से चलानी पड़ेंगी। ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं क्योंकि 7 जुलाई से लेके तो 1 अगस्त तक जो है वो मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो इन मामलों को आपको डिस्टर्ब करेगी। जॉब में तहरीर और तकरीर को बहुत एहतियात के साथ लेके चलिए, अपनी स्टेटमेंट्स पर आपको स्पेशल गौर करना होगा और इसके अलावा अपनी सेहत का बहुत आपको ख्याल करना है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो आपको आपकी सेहत को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, आपके मुखालफीन जो है वो तजब्जब का शिकार हो रहे हैं, ये एक बेहतर चीज़ है। जॉब स्विच करने की गलती ना कीजिए, स्पेशली अगर आप बैरून मुल्क नज़र जमाए बैठे हैं अपनी जॉब के हवाले से तो इस वक्त ये आपकी ख्वाहिश जो है पूरी होती नज़र नहीं आ रही। सुसाली जो करब के साथ आपके ताल्लुक जो है वो बेहतर नहीं, कुछ कदरे कशीदगी की तरफ चलेंगे और इसी तरह आपके बैरून मुल्क वीज़ा वगैरह अप्लाई करने के लिए भी ये अच्छा वक्त नहीं होगा। आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं। इसी तरह
आपको शराकतदारी की ऑफ़र हो सकते हैं। शराकतदारी की ऑफ़र इस वक्त एक्सेप्ट करना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित होगा, लेकिन आपके अज़दवाजी तल्लुकात कदरे मुतासिर हो सकते हैं 11, 12, 13 जुलाई को। यहाँ पे कमर दर्द कर बैक, कमर जो कि आपके जायचे के 7वें हिस्से का हाकिम है, इसका हबूत है। आपको एहतियात करनी है, 2 किलो टूटा चावल, आटा या दूध का सदका दे के आप इस मामले को बेहतर कर सकते हैं। वो कि कमर का हबूत इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है। शम्मस की 7वें घर में मौजूदगी आपको एक ऐसा शरीक हयात जो है वो दिलवा सकती है जो कि साहिब इज़्ज़त ख़ानदान से हो, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा। एन मुमकिन है कि आपकी शादी किसी ऐसे फ़र्ज से तय पाए जो कि सरकारी एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, तो यहाँ पे इम्कानात रोशन हैं। आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिका सियारा ज़ोरा भी आपके जायचे के 7वें मौजूद है, तो शराकतदारी में आपके लिए जो है वो नुमाया हो रहा है कुछ कि आप अपने बिज़नेस को जो है डेवलप करते नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न है आप, आपकी 60-70 चल रही है, अगर आपने 60-70 का अभी तक इलाज नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 60-70 में नई इन्वेस्टमेंट जो है वो टफ़ टाइम दे सकती है आपको, तो आपको इस हवाले से मोहतात रहते हुए मामलात को लेके चलना होगा। आपकी मदर इन लॉ के साथ, आपके फादर के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे जो कि एक बड़ी ही ज़बरदस्त अलामत है। इसके अलावा आपकी लक में इजाफा हो रहा है, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील को लेकर कदरे ज़हनी दबाव का शिकार भी हो रहे हैं। स्लो होगा ये मामला, थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशात को कम कीजिए और थोड़ा तहमल और बुधबारी से काम लीजिए, इंशाल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। हर बार इसी उम्मीद पर वीडियो बनाता हूँ और हर बात यही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको मद्देनज़र रखते हुए बेहतर प्लानिंग कीजिए। और कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप ये जो मैं आपको हटो बचो बता रहा होता हूँ, और जो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जी आप नेगेटिव ज़्यादा बताते हैं, वो असल में आपको नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश है, आपको वार्न करने की कोशिश है। अगर आपको पता हो आगे गड़ा है तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड ना चाहते हुए भी रिड्यूस करेंगे, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर लाशौरी तौर पर आप उस घड़े का शिकार जो है वो हो सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला ज़ोडियक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज धनु। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ये बुर्ज धनु में है कंफर्म डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो अगर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो फिर आपके नाम के अगर पहले हरूफ सीन, शीन, स्वाद या से है तो भी आप बुर्ज धनु में आते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न यानी कि ज़ोहल और अदद आपका लकी 8। इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में औज शम्स है 11 जुलाई को है। इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर जो है वो ऐड कर चुका हूँ, तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा। उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये गोल्डन पीरियड है। शरफ शम्स के बाद सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस हफ़्ते की जो अहम तब्दीलियां हैं वो आपके तीसरे यानी समाजी तल्लुकात का हाकिम सियारा जो मरीख है, ये आपके जायचे के 7वें जो है वो औज के घर में चला गया। इसका औज के घर में जाना जो है वो बहुत सारे मामलों में तब्दीली के लिए आ रहा है। ये सियारा आपके कैरियर का भी हाकिम सर। तो मैं अब आपको 2-3 चीज़ें जो है वो मिला के जो है बताने लगूँ। आपका कोई करीबी अजीज़ो अकारब आपको शकदारी की ऑफ़र कर सकता है जो कि आपके कारोबार के लिए एक नया टर्न साबित हो सकती है, मेरी बात को जहन में रखिएगा। इसके अलावा आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान जो है वो रोशन हो चुके हैं। नज़दीकी सफ़र अब जो आप करेंगे कारोबारी नोयत के वो आपके लिए बेहतरीन फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इसके अलावा आपकी बहन भाइयों के साथ आपके अच्छे तल्लुकात होंगे, आपके बहन भाई भी आपको कैरियर के हवाले से अच्छी मशावरत आपके साथ जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आपको शरीक हयात से अच्छी सपोर्ट जो है वो मिल सकती है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाएंगी, और बेसिक एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, एक्वेरियस आप बच्चे हैं तो भी आपके लिए एक अच्छा वक्त है।
खानगी मामलात आपके जो हैं वो भी बेहतरी की तरफ जो है वो चल रहे हैं, सवारी और जगह की तब्दीली आपके लिए बेहतर होगी और घर में आपको कदर मुखालफत का और खिंचाव तनाव का माहौल महसूस होगा लेकिन फिर भी औसतन काफ़ी बेहतर। आपकी मंगनी, आपकी शादी, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बनती नज़र आ रही है। इस हफ्ते 7 जुलाई से आपके जो पांचवें घर का हाकिम है ये आपके सातवें रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन इसकी जो है यानी कि रिजत, वो आपके आपकी मंगनी और आपकी शादी दोनों को इल्तवा का शिकार, किसी भी वजह से बहस और तकरार से आपको जो है वो गुरेज करना है और अपने फ्योंसी के साथ, वरना आपकी शादी जो है वो बनी बनाई जो है वो खटाई का शिकार हो सकती है। और फिर यकमी अगस्त तक इसकी रेट्रोग्रेशन आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। बच्चों के मामलात को और अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को अलग अलग रखिए, अपने शाख्ती मामलात, शाख्ती माली मामलात को भी अलग रखिए। बच्चों की अगर इंटरफेरेंस हुई तो फिर आपके माबैन जो है वो इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपका जो शरीक हयात है उनके मिजाज में कुछ तेज़ी होगी, वो ख़ुद को राइट पे समझते हुए कुछ ऐसी गुफ्तगु खुदा नखास्ता कर सकते हैं जो कि मुनासिब नहीं होगी और ये मामला कशीदगी की तरफ जो है वो बढ़ सकते हैं। आपके छठे घर में शमस की मौजूदगी जो है और औज या आपको एक अच्छी जॉब ऑफ़र करवा सकता है, ये एक बड़ा अहम चीज़ है और ये कुछ मिली जुली चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इनको बड़े ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। आपको कोई अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं, आपकी सेहत पे अच्छे असरात ये मुरतब करवाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे आपकी मुखालफत में आते नज़र आ रहे हैं, आपका शरीक हयात आपकी मुखालफत में नज़र आता है, खड़ा होता नज़र आ रहा है, तो आपको बड़ी एहतियात के साथ ख़ुद को लेके चलना है क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड है और ये मुखालफतें अगर शुरू हो गई तो फिर आपके लिए जो है औलाद बहुत अच्छे नहीं होंगे। दूसरी तरफ आपके छठे घर का हाकिम सियारा जो कमर है, इसका हबूत है 11, 12, 13, कमर दर अक्रब है, तो आपको बहुत एहतियात से चलना है। स्पेशली जॉब पर्सन के लिए ये 3 दिन जो है वो बहुत अच्छे नहीं हो सकते, बहुत एहतियात कीजिएगा। छठे घर में कुछ मिली जुली कैफियत बन गई, छठे घर में 11 को ही और जो है शम्स है और 11 को ही जो है वो कमर दर अक्रब है, तो आपको एक अच्छी जॉब भी ऑफर हो सकती है और आपका कैरियर भी डाउनफॉल में जा सकता है। आपको बहुत एहतियात के साथ जो है इन मामलों को लेकर चलना है। 11 को अगर आपको कोई जॉब ऑफर होती है तो इसको पेंडिंग कर लें, वेटिंग पे लेके चलें और उसको क्लियर कट जवाब ना दें दूसरी पार्टी को, इसको लेके ड्रैग ऑन करके 13 गुजार के 13 की शाम को या 14 को आप इनको पॉजिटिव जो है वो अपना रिस्पांस दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का किसी भी चीज़ का सदका दे के इनमें से, तो आप अपनी जॉब को और अपने कैरियर को दोनों को सिक्योर कर सकते हैं। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, स्पेशली अगर आप जॉब के हवाले से बैरून मुल्क आप सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो आपके लिए हालात काफ़ी मुआफ़िक होते नज़र आ रहे हैं। और ससुराली दुकारब की तरफ से आपको कदर मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा और कुछ बेनिफिट्स भी, दोनों चीज़ें मिली जुली हैं। आपके वालिद, आपकी मदर इन लॉ, आपका कैरियर रोज़गार, आपकी तरक्की, ये तमाम चीज़ें आपकी फेवर में चल रही हैं इस वक्त और इंशाल्लाह इनसे आप भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, शराकत दारी की ऑफ़र हो सकती है और ये आपकी कैरियर रोज़गार के लिए एक नया संग मील जो है वो साबित हो सकता है, तो इस वक्त को जो है वो ज़ाया करने से गुरेज कीजिएगा ताकि आप इसका भरपूर जो है फ़ायदा उठा सकें। मजमूई तौर पर यह आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है, जो मालूम मैंने आपके साथ शेयर करता हूँ ये इसी उम्मीद पे करता हूँ कि आप कुछ बेहतर प्लानिंग करके इसको अपने नुकसान से बच जाएंगे और कुछ अपने लिए बेहतर जो है वो फैसले करने की पोजीशन में जाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला बुर्ज है ये बुर्ज हौत, हमारा अगला भी और आखिरी बुर्ज यानी कि पाइसिस। गैलेक्सी साइंस में ये एंड पे आता है लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त लोग इसमें आते हैं, बड़े ही सेंसिटिव किस्म के लोग जो है ना वो पाइसिस में आते हैं। अगर आप 19 फरवरी से लेके 20-21 मार्च के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप पाइसिस में आते हैं, या कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं और नाम के पहले हरूफ जो हैं वो दाल से या चे से हैं तो भी आप जो है वो पाइसिस में आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है और डिजिट 7 आपसे मंसूब है,
इस हफ्ते की तफसीलात आपको बताने से पहले मैं आपको आगाह करता चलूँ जो बहुत बड़ी तब्दीलियों में और जो शम्स है 11 जुलाई को है, इसके हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे जो है वो ऐड कर चुका हूँ। तो अगर आपने किसी भी वजह से उसको नहीं देखी तो उसको देख लीजिएगा, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी टाइमिंग, उसका अमल और आप उससे किस तरीके से मुस्तफीद हो सकते हैं। ये गोल्डन पीरियड है शरफ़ शम्स के बाद, सबसे जो बेहतरीन वक्त होता है वो औज शम्स होता है, ये गोल्डन पीरियड है, इससे ज़रूर मुस्तफीद होइएगा। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते के तसलसल में मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, तसलसल में वो मैं डिस्कस नहीं करने लगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है वो जुपिटर और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की कोई रेमेडी नहीं की तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। इस हफ्ते में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी जो कि आपके चौथे सातवें अहम तरीन घरों का लॉर्ड है और जायचे के छठे रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इसकी रेट्रोग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी कोई स्पिरिचुअल रेमेडी लाजमी कीजिए ताकि आप इससे महफूज रह सकें। दूसरी तरफ शम्स का औज है आपके जायचे के पाँचवें में, आपके छठे में मरकरी औज याफ्ता मौजूद है और इसी हफ्ते में कमर दरकरब है और इसी हफ्ते में मरकरी की रेट्रोग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। मैं कोशिश करता हूँ, सबसे पहले आपकी माली पोजीशन बहुत अच्छी तरफ जो है वो पॉजिटिव चलना शुरू हुई, आपकी सेहत की में भी बेहतरी आई और आपको एक बेहतर जॉब का हासूल जो है वो आपके लिए मुमकिन होगा, जिससे आपकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। कारोबारी मामले में अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हालात आपके अच्छे नहीं हैं, आपको शायद अपने जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो पीछे बहुत ज़्यादा आपको माली परेशानी का सामना करना पड़ा वो ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। नज़दीकी सफ़र इस वक्त आपके लिए बड़े अच्छे हैं और आप बहन भाइयों के दोस्तों के साथ इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। समाजी तल्लुकात आपके काफ़ी बेहतरी की तरफ जो है वो चल पड़े और पिछले हफ्ते में भी ये बेहतर थे, अब मज़ीद इसमें भी जो है वो बेहतरी आ रही है। अगर आप बेसिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी है, तहरीर और तकरीर के मामले में भी आपके जो है वो अच्छी पोजीशन। खानगी माहौल और सवारी, प्रॉपर्टी, वालदा के साथ तल्लुकात, शराकती तल्लुकात, अजदवाजी तल्लुकात, ये बहुत अच्छी पोजीशन में इस हफ्ते से नहीं होंगे। 7 जुलाई को मरकरी आपका रेट्रोग्रेड में चला जाएगा और 1 अगस्त तक ये रेट्रोग्रेड में रहेगा, तो इन मामलों को आपको बड़ी एहतियात के साथ लेके चलना है। सबसे ज़्यादा एहतियात आपको अपनी गुफ्तगू में करनी है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपका शरीक हयात कुछ नेगेटिव गुफ्तगू कर सकता है, कुछ स्टेटमेंट्स नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन आपको तहम्मुल और बुद्धबारी से काम लेना है क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जुपिटर वो भी रेट्रोग्रेड है, तो ऐसे वक्त में आपके लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सवारी और जगह की तब्दीली से गुरेज कीजिएगा, बमरे मजबूरी आपको रिहाइश की जगह जो है वो तब्दील करनी पड़ सकती है। इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया हैं वो भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो करती हुई नज़र आ रही हैं, ये 7 जुलाई से 1 अगस्त है। कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से, प्लॉट या कोई जगह की तब्दीली के हवाले से कोई एग्रीमेंट, कोई सेल परचेज़, इससे गुरेज करें तो बेहतर है। बमरे मजबूरी अगर आपको करना पड़े तो वो डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो वेरीफाई ज़रूर करना है और अपने लॉयर के साथ उसको एक बार ज़रूर शेयर कीजिए और मशावरत के साथ कीजिए ताकि आप किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो बच सकें। आपकी मंगनी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं। आपके पांचवें घर में शम्स का जो औज है ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और वीनस तो इसमें और भी खूबसूरती पैदा कर रहा है। आपकी हसब ख्वाहिश आपकी मंगनी तय पा सकती है। बच्चों के हवाले से काफ़ी कम्फर्ट, आपके बच्चों की इज़्ज़त तौकीर में इजाफा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्डअप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ जो है वो 11, 12, 13 कमर दर्द भी है, तो बच्चों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसको 2 किलो टूटा चावल, 2 या आटा या दूध का सदका देके आप जो है वो कवर कर सकते हैं। औलाद के हवाले से आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई आप पाइसिस खातून हैं और प्रेगनेंसी भी है तो फिर आपको 11, 12, 13 ये ख़ास तौर पर एहतियात करनी है और इसकी एहतियात इससे बेहतर कोई नहीं कि आप बरवक्त जो है इसका सदका दीजिए। आपको बेहतरीन जॉब मिल सकती है और इसी तरह आपकी सेहत भी बेहतर हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके मुखालफीन में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ बताता चलूँ, आपके जो मुखालफीन हैं ज़ारी मुखालफीन वो कुछ ओवर रिएक्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट में, या चाहे वो रिटर्न में दे रहे हों या वो ओरली दे रहे हों, इसमें कुछ वो गलती करेंगे, वो गलती आपने फोकस करनी है और ख़ुद कम से कम बोलना है
ताकि आप इस चीज़ से जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है उससे बच सकें, और यही रेट्रोग्रेशन जो है वो उनको फंसाएगी और आपको उसका एडवांटेज लेना है। आपके मुश्तरका माली मामलात और आपके वरासती मामलात ये अच्छी तरफ चल रहे हैं और इनके हल होने के इम्कान भी मौजूद हैं। और अगर आप जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे हैं तो शरीक-ए-कार के साथ कुछ खिंचाव तनाव की कैफियत ज़रूर रहेगी, लेकिन फिर भी आपकी जो मुश्तरका माली मामलात हैं वो फिर भी बेहतरी होती नज़र आ रही है। आपके ससुराली ज़ुकारों के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक अच्छा वक्त है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि 11, 12, 13 आपके नामे घर में कमर दर्द है तो इस दिन आपको वीज़ा अप्लाई करने से गुरेज करना है। 7, 8, 9 और 10 ये 4 दिन आपके लिए बेहतरीन दिन होंगे, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी जो तवज्जो है वो बढ़ेगी, जो कि इस वक्त आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है स्टार्स की, उसमें स्पिरिचुअलिज्म ही वो चीज़ है जो आपको जो है वो बचा सकता है। इस वक्त एमरल्ड पहनिए, ये आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त फ़वाद का हामिल होगा। या इसकी मुतबादल में आप पेरीडो भी पहन सकते हैं जो कि कदरे एमरल्ड से कम प्राइस का अनगिन है, तो इसको पहनिए, ये आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी का बायस होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी फ्राहम करदा मालूमात, हर वीडियो इसी उम्मीद पे बनाई जाती है, आपके साथ शेयर की जाती है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, आपको पता हो कि कौन से सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको नहीं खेलना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल क्रिकेट आप देख रहे हैं, अगर एक बैट्समैन को पता हो कि फलां पोजीशन पे फील्डर खड़ा है तो उसकी कोशिश होती है या तो बॉल उसके टॉप से गुजारे या वहाँ पर शॉट ना मारे, गैप से निकाले। अगर वो बेख्तियारी में वहाँ शॉट खेलता है तो फिर उसके आउट होने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। और जो शम्स के हवाले से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दी हुई है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आज़म का जो हम लाइव सिलसिला चलाते हैं उसमें अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉल नहीं मिलती, तो उनसे मैं कहूँगा देखें पूरा एक घंटा मैं आप लोगों की कॉल्स ले रहा होता हूँ और लाइव आपको जवाब दे रहा होता हूँ, तो लोगों की मिलती है तो मैं कॉल्स रिसीव कर रहा होता हूँ ना। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।